हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हम जो टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए वो है क्लास 11th का फिजिक्स हिंदी मीडियम में, और हमारा टॉपिक है कार्य ऊर्जा और शक्ति, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है 11th फिजिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कार्य ऊर्जा और शक्ति। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत से क्वेश्चन इसे कवर होते हैं, और सबसे अच्छी बात कि हम कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में कुछ न कुछ अपने लोअर क्लासेस में, छोटे क्लास में भी हम पढ़े होते हैं, तो बहुत कुछ आप लोग को ऐसे ही पता होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्य ऊर्जा और शक्ति, जिसमें सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इसका कार्य का। कार्य को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्क। ये आप सबको पता है कि कार्य क्या होता है। देखिए, यदि हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करें, सामान्य बातचीत में बात करें, तो कुछ भी हम करते हो सब कार्य है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई भी वर्क कर रहा है, ठीक है, कोई सो रहा है, जाग रहा है, खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, सबको हम अपने कॉमन लाइफ में, अपने दिनचर्या में कार्य कहते हैं। लेकिन फिजिक्स में, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, ये सब कार्य नहीं है। कार्य होने के लिए यहाँ पर जो जरूरी चीज़ होता है वो दो चीज़ है, कि जब तक हम किसी पिंड में कोई बल ना लगाएं और उस पिंड में विस्थापन ना हो, केवल बल लगाने से भी कार्य नहीं होता, उसमें विस्थापन जरूरी है, तब वहाँ पर क्या कहा जाता है, कार्य कहा जाता है। इस प्रकार से कार्य का जो गणितीय रूप है W इक्वल टू होता है F इंटू डी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने यहाँ पर कोई एक पिंड रखा है, यह कोई पिंड है, यह पिंड इस क्षैतिज धरातल पर रखा है। अब मैंने इस पिंड में बल F लगाया और ये पिंड यहाँ से बल लगाने से विस्थापित होकर यहाँ चला आया, और इनके बीच का विस्थापन क्या है, डी है, तो ये जो कार्य होता है वो होता है एफ इंटू डी। इस तरह से कार्य का परिभाषा क्या हो जाएगा, यदि किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने से पिंड में विस्थापन हो, तो बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है वह कार्य कहलाता है। यहाँ पर बहुत स्पष्ट है ये बात कि यदि बल लगाने से पिंड में विस्थापन न हो, यदि विस्थापन न हो तो हम उसको कार्य नहीं मानेंगे। जैसे मान लो हम किसी घर के दीवार को ढकेल रहे हैं, सपोज मैं इसको पुश कर रहा हूँ, ढकेल रहा हूँ, लेकिन ये मेरा बोर्ड, मेरा वाल, ये पीछे नहीं जा रहा है, अपने जगह में है, तो मेरे बल लगाने के बाद भी मैं उसको कार्य नहीं कर सकता। जबकि सामान्य बोलचाल में मेरे को कोई पूछेगा कि सर आप क्या कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि दीवार को ढकेल रहा हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ, बट इट इज़ नॉट वर्क, क्योंकि वर्क के लिए जरूरी है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जरूरी है। क्लियर? तो कार्य का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी पिंड में बल लगाया जाए और बल लगाने से उसमें विस्थापन हो, विस्थापन जरूरी है, तभी हम उसको क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। अब यह तो हुआ, इस पर बल लगाया और बल सीधा सीधा विस्थापित हो गया, लेकिन सपोज यदि हम किसी पिंड पर बल लगाएं, मान लो इस तरह से यह पिंड यहाँ पर रखा हुआ है, और इस पिंड में मैं बल इस दिशा में लगाता हूँ, सपोज मैं इस दिशा में बल लगाया, ये क्षैतिज के साथ में थीटा कोण बना के, तो ये जो पिंड है वह इस दिशा में ना जाके ये विस्थापित होके सपोज यहाँ चला आया, इस तरह से इसमें विस्थापन यहाँ हुआ डी। तो आप यहाँ पर आप देखो इस केस में, यदि हम बल किसी और दिशा में लगाएं और विस्थापन किसी और दिशा में हो, दोनों के बीच का कोण थीटा हो, तो उस कंडीशन में कार्य क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ खिलौने होते हैं, ठीक है, या बचपन में आपने देखा होगा कि ईंटे पत्थर को हम रस्सी से बांध देते हैं बचपन में, उसको खींचते रहते हैं। जब उसको हम खींचते हैं तो आपको याद होगा हम इधर खींचते हैं, यहाँ पर कोई ईंट का टुकड़ा है ज़मीन में रखा है, हम इसको रस्सी बांध के इधर खींच रहे हैं, और वो जो ईंट है इधर गति कर रहा है। इसमें देखो जिधर हमने बल लगाया उधर विस्थापन हुआ, लेकिन यदि बल और विस्थापन की दिशा अलग अलग है, दोनों के बीच में कोण थीटा हो, तो वहाँ पर जो कार्य होता है डब्लू, वह होता है एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पर डी कॉस थीटा का मतलब क्या है, कि बल की दिशा में इसका घटक, यह जो विस्थापन है उसका बल की दिशा में घटक निकालेंगे, तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि थीटा के पास वाला जो घटक होता है, तो डी का इस दिशा में घटक क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा। इस प्रकार से बल एफ हुआ और बल की दिशा में विस्थापन का जो घटक है डी कॉस थीटा हुआ, तो एफ के साथ में डी का मल्टीप्लाई ना होके क्या हो गया, डी कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन हो गया। इस प्रकार से हम कहते हैं W इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा। अब आपको पता है कि
कि ए डॉट बी इक्वल टू, सदिश में मैंने आपको पढ़ाया है ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, तो उसी तरह से यहाँ पर भी देखो डब्ल्यू इक्वल टू क्या है एफ डी कॉस थीटा। तो उसकी सहायता से ये जो हमारा सदिश बीजगणित में फार्मूला होता है उसके हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, देयर फोर हम लिख सकते हैं W इक्वल टू एफ डॉट डी, और यहाँ पर ये W है वह अदिश राशि होगा, मतलब कार्य क्या है यहाँ पर अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है, क्योंकि मैंने आपको वेक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था कि दो अदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वह अदिश होता है। तो ये W निकालने का एक फार्मूला है, और ध्यान रखना यहाँ पर कार्य क्या है एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है, और मात्रक होता है इसका क्या जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल, जूल नामक साइंटिस्ट ने दिया था इसलिए जूल इसका मात्रक है। अब यहां पर देखो यदि हमको एक जूल की परिभाषा करना है, ठीक है, सपोज हमको वन जूल को डिफाइन करना है, तो एक जूल की परिभाषा हम किस प्रकार से करेंगे, ये जो हमारा फार्मूला है, ये जो बेसिक फार्मूला है, इसमें हम यदि बल F बराबर एक न्यूटन ले लें और D बराबर एक मीटर ले लें, मतलब हम F को भी एक ले लें और D को भी एक ले लें, तो यहाँ पर जो कार्य होगा वह 1 इंटू वन इक्वल टू कितना आएगा 1, और ये 1 जूल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 जूल को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, ध्यान से समझना, ये सब समझने का है ना, इसको याद नहीं करना है। क्या परिभाषा हो जाएगा एक जूल का, यदि किसी पिंड में एक न्यूटन का बल लगाने से, सपोज मैं किसी पिंड में एक न्यूटन का बल लगाया और वह पिंड एक मीटर विस्थापित होता है, मतलब यदि किसी पिंड पर किसी पार्टिकल पर एक न्यूटन का बल लगाने से यदि उस पिंड में एक मीटर का विस्थापन हो, तब हम उसके कार्य को क्या कहते हैं एक जूल कहते हैं, ये एक जूल की परिभाषा है। क्लियर, तो ये एक जूल का परिभाषा हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ाते समय मैं आप बताऊँगा कि यदि कार्य हमको सदिश रूप में निकालना है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके निकालना होता है, थीटा के रूप में निकालना है तो इस तरह से निकालना होता है, ये सब W के फार्मूला को आप लोग समझते जाना, ठीक है। इसके बाद इसका कैलकुलस में जो फार्मूला होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस फार्मूला से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो कार्य निकालने का कैलकुलस के फॉर्म में फार्मूला होता है W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू, यह कैलकुलस रूप में उसका फार्मूला है। और यह फार्मूला किस तरह से यूज होगा, इस फार्मूला से आप कैसे कार्य निकालोगे, देखो यहाँ पर F बल है, यह बल का मान है, और dx मतलब x के सापेक्ष उसमें क्या करेंगे हम अवकलन करेंगे, तो हमको कार्य निकल जाएगा, और x1 और x2 क्या होंगे यहाँ पर उसके प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति होंगे, ठीक है। अब मैं इस पर आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले मैं इस पर एग्जाम्पल बता रहा हूँ W इक्वल टू एफ डॉट डी पर, इस पर मैं आपको एग्जांपल बताया कि सपोज किसी पिंड पर बल 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप है और विस्थापन D इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप है। ये हमको क्वेश्चन में दिया कि किसी पिंड पर लगाया गया बल इतना न्यूटन है और उसका विस्थापन इतना है, तो कार्य की गणना कीजिए। तो W इक्वल टू फार्मूला होता है एफ डॉट डी, तो इसके मान को हम यहाँ पर भर देंगे एफ डॉट डी से, तो क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इसके साथ में i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब मैंने आपको बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में मूलभूत गणितीय अवधारणा में पूरा पढ़ा दिया है, ये वेक्टर आपको पढ़ा दिया है कंप्लीट, तो आपको गुणा पता है कि i का i के साथ में गुणा होगा, j के j के साथ में होगा, k का k के साथ में, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा अपने को 2 इंटू वन, मतलब 2 यहाँ 1 इंटू टू तो कितना 2, और यहाँ माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, तो हो जाएगा ये 3 जूल, ऐसे ये इसका कार्य निकल जाएगा। इतना आसानी से कार्य हम निकाल सकते हैं किसके फॉर्म में, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, क्लियर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कैलकुलस के फॉर्म में, अब मैं बता रहा हूँ इस फार्मूला का यूज़ बता रहा हूँ कि कैलकुलस के रूप में किस प्रकार से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लो, सपोज किसी पिंड पर बल का मान दिया हो, सपोज 2x प्लस 3 न्यूटन, किसी पिंड पर 2x प्लस 3 न्यूटन का बल लगाया जाता है और उस पिंड को x इक्वल टू जीरो से
x इक्वल टू 0 से x टू इक्वल टू 2 मीटर तक विस्थापित किया जाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, किसी बल, किसी पिंड पर लगाया गया बल इस तरह से x के फॉर्म में देगा और उसका विस्थापन देगा कि 0 से 2 या कुछ भी दे सकता है, 2 टू 3, 5 टू 10, तो उस पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो W निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ये फार्मूला यूज़ करेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ ये इसका निम्न सीमा है जिसको हम 0 रखेंगे लोअर लिमिट को और उच्च सीमा को यहाँ लिखेंगे 2 अपर लिमिट को, क्लियर। और f का जो मान है ये 2x+3 उसको यहाँ पर रखेंगे 2x+3 और इनटू ये फार्मूला में होता है क्या, dx। अब समाकलन आप पढ़ चुके हो, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम समाकलन करेंगे तो समाकलन का चिन्ह हट जाएगा और 2 कांस्टेंट है, 2 होगा। x का समाकलन कितना होगा, x² / 2 ये होगा और 3 का समाकलन कितना होगा, 3x और लिमिट को यहाँ रख देंगे 0 to 2। दैट इक्वल x को आगे सॉल्व करें तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो गया x² + 3x 0 to 2 और यहाँ पर लिमिट रख दें। तो अब हम क्या करेंगे, x के जगह में पहले अपर लिमिट को रखेंगे, तो x के जगह में अपर लिमिट को रखूँगा तो 2 का स्क्वायर और -3 × 2 और ये लोअर लिमिट को रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 0 है। आगे इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जा रहा है 4 - 6 और इक्वल टू -2 जूल। तो माइनस साइन यहाँ पर माइनस आएगा तो कार्य ऋणात्मक कैसे आ गया नहीं समझना, क्योंकि अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है, कार्य के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है देखो कार्य, ये मैंने आपको कंप्लीट कार्य के बारे में बताया। इतना चीज़ समझने के बाद आप कार्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। एक डायरेक्ट फार्मूला है f(d), फिर थीटा दिया हो तो फार्मूला है, फिर दूसरा है डॉट प्रोडक्ट के रूप में जिसका मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल आपको बताया, उसके बाद कैलकुलस के रूप में ये फार्मूला होता है, इसका मैंने आपको एग्जांपल बताया, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान में रखना कि हम कार्य को इतने तरीके से निकाल सकते हैं, क्लियर। यदि ये कंटेंट्स का आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो पॉज करके बार बार देखो, नोट्स बनाओ। मैं तो PDF प्रोवाइड कराऊंगा, 11th में थोड़ा डिले है, लेकिन आप अपने से वीडियो देखने के बाद आप उसको अपने से नोट्स इसका बनाइए, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा कार्य और कार्य निकालने के तरीके। अब हम पढ़ते हैं कार्य के प्रकार। कार्य कितने प्रकार का होता है, देखो कार्य के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, कार्य के 3 प्रकार होते हैं और ये तीनों प्रकार को हम समझते हैं कार्य किस तरह से निकाला जाता है और किस तरह के कार्य को हम क्या कहते हैं। तो कार्य के प्रकार, कार्य के 3 प्रकार में कौन कौन से हैं, धनात्मक कार्य, शून्य कार्य और ऋणात्मक कार्य, ठीक है। ये 3 तरह के कार्य होते हैं। तो सबसे पहले देखें हम कार्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्क, कार्य के प्रकार टाइप्स ऑफ वर्क। तो कार्य के 3 प्रकार, सबसे पहले मैं आपको बताया धनात्मक कार्य, पॉजिटिव वर्क, धनात्मक कार्य क्या होता है। देखो ये जो हमारे पास फार्मूला है कार्य निकालने का, इसकी सहायता से हम इसको पढ़ेंगे, w = fd cos θ। तो धनात्मक कार्य के कंडीशन में क्या होता है कि मान लो ये हमारे पास एक पिंड है ये, और ये यहाँ पर रखा हुआ है किसी क्षैतिज धरातल पर, ये बल हम इधर लगा रहे हैं इसको F और विस्थापन है इस दिशा में, दोनों के बीच का कोण थीटा ही अभी हमने पढ़ा है। अब यदि यहाँ पर क्या हो, यदि थीटा का मान क्या हो, 0 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो तो नेचुरली आप समझ सकते हैं कि थीटा का मान यदि 0 हो जाए तो इस बल की दिशा इधर ही हो जाएगी, मतलब F और D दोनों की दिशा एक समान हो जाएगी। और मैंने भी आपको बताया था कि बल और विस्थापन की दिशा एक ही हो तो उस कंडीशन में कार्य क्या होता है, f(d) होता है। यहाँ पर हम फार्मूला में मान भर के देखते हैं तो दैट इम्प्लाइज w = f(d) और cos θ का मान कितना है, 0 डिग्री, ये हमने 0 पुट कर दिया। देयरफॉर w = cos0 का मान कितना होता है, cos0 1 होता है, तो cos0 1 होता है, तो ये हो जाएगा f(d) और ये जो कार्य निकला है वो क्या है, धनात्मक कार्य है। मतलब धनात्मक, हम किस प्रकार के कार्य को धनात्मक कार्य कहेंगे, यदि किसी पिंड पर
लगाया गया बल और विस्थापन की दिशा एक समान हो, एक ही दिशा में हो, दैट मीन्स दोनों का कोण का बीच का कोण क्या हो, थीटा 0 डिग्री हो, तो कार्य धनात्मक होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है कि यदि कार्य तथा बल के बीच का कोण थीटा हो, थीटा 0° हो, तो वह कार्य होगा धनात्मक, ऋणात्मक, 0, इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहेंगे आप उसको? धनात्मक कार्य कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज ऋणात्मक कार्य। दूसरा जो कार्य का प्रकार है वह है ऋणात्मक, निगेटिव वर्क, ऋणात्मक कार्य। तो ऋणात्मक कार्य क्या होता है? निगेटिव वर्क निगेटिव वर्क किस तरह के कार्य को हम ऋणात्मक कार्य कहेंगे? देखो, यदि दोनों के बीच का कोण इस तरह से 180°, ये मैं एक चित्र बना के बता रहा हूँ आपको, ये कोई पिंड है और इस पिंड में बल मैं इधर लगाऊं और उसमें विस्थापन इधर हो, ठीक विपरीत दिशा में विस्थापन हो बल उधर लगाने से, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 180°। अब आप अजीब सोच रहे होंगे कि सर ऐसे कैसे होगा कि मैं बल इधर लगाऊं और विस्थापन क्या हो? विपरीत दिशा में हो। ये तो बहुत अजीब बात है, लेकिन ऐसा होता है। ऐसा कहाँ होता है? स्प्रिंग में। आपको पता है स्प्रिंग में हम अंदर की तरफ बल लगाते हैं, बल लगा के छोड़ते हैं, तो विस्थापन दूसरी ओर होता है। ठीक है, इस तरह से स्प्रिंग इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। स्प्रिंग जो होता है इसमें कार्य हम ऋणात्मक कह सकते हैं, या किसी भी ऐसे सिचुएशन में जहां बल कहीं आप लगा रहे हो, विस्थापन उसके ठीक विपरीत दिशा में हो, तो हम उसको ऋणात्मक कार्य कहते हैं। ठीक है, यहां फार्मूला से देखो, W इक्वल टू होता है FD cos थीटा, दैट इम्प्लाइज W इक्वल टू क्या हो जाएगा? F into D cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का 1 माइनस होता है, तो हो गया FD-1, जिसको हम कह सकते हैं -FD। इस तरह से ये कार्य क्या होता है? ऋणात्मक कार्य होता है। क्लियर। तो ऋणात्मक कार्य किस कंडीशन में हम ऋणात्मक कार्य कहते हैं? यदि किसी पिंड पर लगाया गया बल और उसके विस्थापन की जो दिशा है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो, तब इस तरह के कार्य को हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक कार्य कहते हैं, जैसे वर्क ऑन स्प्रिंग। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट कार्य है, वह है जीरो वर्क, शून्य कार्य। जीरो वर्क कब होता है? जीरो वर्क का कंडीशन कब होता है? जब किसी पिंड पर लगाया गया बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो। मान लो जैसे ये पिंड है और इस पिंड पर मान लो लगाया गया बल ये और ये, मान लो हम इस पिंड पर बल इधर लगा रहे हैं और विस्थापन इसमें यह हो रहा है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या हो? 90 डिग्री हो। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90° हो, तो उस कंडीशन में कार्य शून्य होता है। किस तरह से? W = FD cos, ये 90° हो जाएगा, और दैट इक्वल cos 90° का मान 0 होता है, तो पूरा क्या हो गया? ये 0 हो गया। और इसका बहुत फेमस एग्जांपल है जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, वो है कुली का कार्य। कुली का कार्य किस पर? लगेज पर। अब व्यवहारिक जीवन में आप कुली को बोल दोगे भाई कि आप कुछ काम नहीं किए हो, मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स के हिसाब से कुली जो वर्क करता है अपने सिर में रखे लगेज पर, वो 0 होता है। कब? वो क्षैतिज प्लेटफार्म पर चल रहा हो, सीढ़ी चढ़ रहा हो तो नहीं, वही कुली यदि अपने सामान को लेके यदि उस पर चल रहा हो, सीढ़ी पर चढ़ रहा हो, ऊपर जा रहा हो, तो कार्य कर रहा है। लेकिन यदि प्लेटफार्म पर चल रहा हो क्षैतिज, तो कार्य 0 है। ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग कैसे? देखो कि हम जब कुली को सामान देते हैं, तो मान लो ये कुली है, ये रेड अंक से मैं बनाया, वो ये कुली है और इधर चल रहा है, और सिर में अपने क्या है वो सामान रखा है, ये सामान को, तो ये जो लगेज है वो नीचे बल लगाएगा अपने भार के बराबर, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम अपने सिर में रखते हैं तो भार वो नीचे लगाता है, तो बल लग रहा है इधर, और कुली जा रहा है विस्थापन इधर हो रहा है, कुली जा रहा है क्षैतिज और भार लग रहा है नीचे, तो दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या है? 90° है। इस प्रकार से हम कुली के वर्ग को, कार्य को क्या कह सकते हैं? 0 कार्य कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन कई बार आया मल्टीपल चॉइस में कि कुली के द्वारा किसी लगेज पर, अपने सिर में रखे किसी लगेज पर किया गया कार्य कितना होगा? तो 0 होगा।
तो इस तरह से हमारे पास कार्य के 3 टाइप्स होते हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और क्या है, जीरो वर्क। तो ये हुआ कार्य, कार्य और उसके प्रकार, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब हम किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो वहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। कार्य करेंगे तो ऊर्जा, कार्य जो है ऊर्जा के बराबर होता है, किसी पिंड पर किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होता है या ऊर्जा के रूप में उसमें स्टोर होता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ऊर्जा, तो वास्तव में ऊर्जा के क्लियर, इतना तो क्लियर है आपको, इसमें से चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ इसको। देखो, एनर्जी, एनर्जी फिजिक्स का इतना बड़ा पोर्शन है, इतना इम्पॉर्टेंट है, एक्चुअल में मैं यदि सिंगल वर्ड में कहूँ तो पूरा हमारा ब्रह्मांड ही, पूरा हमारा गैलेक्सी, पूरा हमारा जो यूनिवर्स है वो एक ऊर्जा का रूप है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी कार्य होते हुए आप अपने आसपास देख रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में जो भी वर्क हो रहा है वह एनर्जी का फॉर्म है। तो एनर्जी बहुत ब्रॉड सिलेबस है फिजिक्स में, लेकिन 11th क्लास में हम जो एनर्जी पढ़ना है उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूं पहले। तो अब हम पढ़ते हैं ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा के बहुत से रूप हैं हमारे लाइफ में, जैसे कुछ प्रकार आपको बता दूं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा जो यंत्रों पर जो किया जाता है वो यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत भी एक तरह की ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा, उसमें भी एक प्रकार की ऊर्जा है, ताप ऊर्जा, ताप भी एक तरह का एनर्जी है, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी एक, ठीक है, सोलर एनर्जी, सोलर या सूर्य की एनर्जी, सोलर। तो ये ऊर्जा के बहुत से रूप हैं और बहुत से रूप हैं। कुल मिला के पूरा ब्रह्मांड ही हमारा क्या है, एक ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का एक पिंड है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा पूरा गैलेक्सी, ठीक है, और गैलेक्सी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी का एक रूप है। तो सब कुछ ऊर्जा है, लेकिन ये आप अलग अलग क्लास में आगे जाते जाओगे तो ये सब एनर्जी के बारे में पढ़ोगे। यहाँ हमको बेसिकली यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, और इस ऊर्जा को मुख्य रूप से 2 प्रकार से अपने को पढ़ना है, एक काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर हमको ये पढ़ना है ऊर्जा, लेकिन मैं आपको एक इंट्रोडक्शन बता दिया कि ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं, और हमको इस क्लास में पढ़ना है गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। तो ऊर्जा का यदि हम 2 पॉइंट आंसर बोलें, डेफिनेशन बोलें, तो क्या बोलेंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी कहा जाता है। कार्य करने की जो क्षमता है, हम जो कार्य कर पाते हैं, जितनी हमारी एफिशिएंसी है कार्य करने की, वही क्या है, ऊर्जा है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे उसके प्रकार, और उसके प्रकार में 2 मुख्य प्रकार पढ़ेंगे। पहले स्थितिज ऊर्जा, पहला प्रकार पढ़ेंगे हम स्थितिज ऊर्जा, इसको पहले पढ़ लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा का सामान्य मतलब है कि कोई स्थिर पिंड अपनी स्थिति के कारण, अपने पोजीशन के कारण, यहाँ पर ये टेबल रखा है, फर्नीचर रखा है, कुछ भी रखा है, मैं यहाँ पर रेस्ट खड़ा हूँ, स्थिर खड़ा हूँ, गति नहीं कर रहा हूँ, तो हर स्थिर पिंड के पास जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। यहाँ पर उसको यदि हम पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन ऊर्जा की बात करें, तो मान लो यहाँ ये पृथ्वी का धरातल है और यहाँ पर ये कोई पिंड रखा हुआ है, और इस पिंड का द्रव्यमान मान लो m है। अब हमने क्या किया, इस m द्रव्यमान के पिंड को बल F लगाकर ऊपर उठाया, और हमने इस पिंड को जमीन से ऊपर उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, और इसकी पृथ्वी सतह से ऊंचाई मान लो h है। इस प्रकार से हमने इस पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई ऊपर विस्थापित कर दिया। आपको मालूम है कि हम बल जब ऊपर लगा के रखेंगे इस तरह से, ये बल F है, तो उस बल को संतुलित करने के लिए नीचे जो पिंड पर बल लग रहा है वो भार है, माने यहाँ पर F का जो बैलेंस है mg से है, या F को यहाँ पर आप प्रतिक्रिया बल कह सकते हो, जो पिंड का भार है। किसी चीज़ को मैं उठा के रखूँगा तो मेरे को उतना बल लगाना पड़ेगा जितना उस पिंड का भार है, तभी उसको उठा के रख पाऊँगा, और h ऊंचाई तक मैं उसको उठा के रखा हूँ, इसका द्रव्यमान m है। तो यदि हम यहाँ पर इस पर किए गए कार्य की गणना करें, तो कार्य बराबर है बल गुणित विस्थापन, तो उस पर लगाया गया बल F है और विस्थापन है कितना, H, तो F इंटू एच,
और F यहाँ पर किसके बराबर है, mg के, तो mg इंटू एच। और इसी कार्य को, क्योंकि किसी भी पिंड पर जो किया गया कार्य है, किसी पिंड पर जो किया गया कार्य है वही ऊर्जा होता है, तो इसको हम कह सकते हैं PE लिखेंगे हमेशा हम इसको, P फॉर पोटेंशियल, F फॉर एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और शॉर्ट फॉर्म में हमेशा हम बोला करेंगे PE, तो आप समझ जाना कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात हो रही है। क्लियर? तो ये है स्थितिज ऊर्जा, और चूंकि यह गुरुत्व के कारण होता है तो इसको हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो बस पोटेंशियल एनर्जी का एक छोटा सा पार्ट है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा, सेकंड इज काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा, तो नाम से स्पष्ट है किसी पिंड के गति के कारण, किसी गतिशील पिंड के कारण, जैसे कोई कार गतिशील है, कोई बाइक गतिशील है, मैं गतिशील हूं, तो इस गति के कारण जो ऊर्जा होती है किसी पिंड पर उसको हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब हम यहां पर गतिज ऊर्जा का गणना करते हैं। मान लो ये कोई पिंड है इस तरह से, और यह पिंड अभी UX से गतिशील है। अब UX से इस गतिशील पिंड पर हमने बल लगाकर, इसमें बल लगाया, और इस पिंड को हम डी दूरी विस्थापित करने के बाद यह डी दूरी तक गतिशील हुआ। इसका प्रारंभिक वेग अभी भी है सपोज, और बाद में क्या हो गया, ये रेस्ट कंडीशन में आ गया। ये यू है, इसको हम वी के बराबर मान लिए, और बाद में क्या हो गया, वो स्थिर अवस्था में आ गया। मतलब हमने गतिशील पिंड को रोक दिया। दोनों काम किया जा सकता है, रुके पिंड को गति, चूंकि गतिज ऊर्जा की गणना कर रहे हैं तो पहले हम उसके गति को मान लिए कि यह पिंड वी वेग से गतिशील है, ये इसका प्रारंभिक वेग है, और बाद में अंतिम वेग क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि उसमें मंदन किया। मंदन करने से, ब्रेक अप्लाई करने से पिंड रुक जाता है। तो यहाँ पर हम गति का द्वितीय समीकरण लगाएं, ठीक है, तृतीय समीकरण लगाते हैं सीधा, गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय नियम से या तृतीय समीकरण से यदि हम लगाएं, तो हमको पता है वी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। दैट इम्प्लाइज ये पिंड चूंकि रुक गया तो हम उसको जीरो ले लेंगे। प्रारंभिक वेग को हमने वी माना है तो वी स्क्वायर हो गया। मंदन हो रहा है, रुक रहा है, इसलिए इसको माइनस ले लेंगे टू, ये ए है, और विस्थापन हमने क्या माना है यहाँ पर, डी। तो इस प्रकार से दैट इम्प्लाइज इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो 2AD बराबर वी स्क्वायर हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज AD बराबर हो जाएगा 1/2 वी स्क्वायर। तो यहां से हमने AD का मान निकाला। अब AD का मान निकालने के बाद यहां पर हम निकालते हैं कार्य, पिंड पर किया गया कार्य। यहां पर देखें कि इस पर कार्य कितना होता है ऐसा करने से, तो पिंड पर जो किया गया कार्य है W, वो बल गुणित विस्थापन के बराबर होगा। That implies W equal to हो जाएगा बल गुणित विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पर बल को हम लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणित त्वरण और इंटू डी। दैट इम्प्लाइज W इक्वल, बल को द्रव्यमान गुणित त्वरण लिख सकते हैं, तो F इंटू ए इंटू डी। अब ये जो AD का मान है, इस AD के मान को यदि हम यहाँ से ला के भर दें तो यहाँ पर हो जाएगा M और 1/2 वी स्क्वायर, यहाँ से पुट अप कर दिया। That implies अब जो किया गया कार्य है वो गति के कारण है, तो काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया 1/2 एम वी स्क्वायर। यह है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पर देखो गतिज ऊर्जा का मान होता है mgh, और सॉरी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का मान होता है mgh, और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का मान होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यह है यहाँ पर ऊर्जा के दो रूप। अब हम इसमें एक कंबाइंड रिलेशन देखते हैं जिसको हम कार्य ऊर्जा प्रमेय भी या यहाँ पर मैंने आपको बताया, बस इसी का रिपीट टॉपिक है। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि यह पिंड गति अवस्था से स्थिर अवस्था में रुक जाता है, उसको हमने रोक दिया। लेकिन सपोज हमारे पास कोई पिंड है वो UX से गतिशील है, और उसमें हम त्वरण करके या मंदन करके उसके वेग को बदल के हमने वी कर दिया,
तब किस प्रकार का परिवर्तन आता है इसको मैं इसी में समझा रहा हूँ, जिसको हम कहेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो यहाँ तक का जो पोर्शन मैं पढ़ाऊँगा वह इसका बेसिक फंडामेंटल है। इसके बाद जो हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे वह बहुत इम्पॉर्टेंट और इसी से पूरा रिलेटेड है। तो चलिए मैं आप पढ़ाता हूँ इसके बाद कार्य ऊर्जा प्रमेय, इसी टॉपिक पर ही उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम। कार्य ऊर्जा प्रमेय, अभी जो पढ़े वही सेम टॉपिक है। देखो मान लो यहाँ पर कोई पिंड है, यह गतिशील है, इस दिशा में गतिशील है, इसका वेग है u, इसका द्रव्यमान है m, और इसको गति करते हुए हमने सपोज d दूरी तक इसका स्टडी किया, तो यह d दूरी तय किया और इसका वेग अब क्या हो चुका है v। अब इसमें त्वरण हो चाहे मंदन हो, दोनों हो सकता है। यदि पिंड का वेग बढ़ा है तो त्वरण है और घटा है तो मंदन है, दोनों सही है, दोनों तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ पर निकालते हैं जो अभी कैलकुलेशन किया सेम वही चीज़ गति के तृतीय समीकरण से, ठीक है, गति के तृतीय समीकरण से। गति के तृतीय समीकरण से हम देखें वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, दैट इम्प्लाइज वी, तो वी है इसका अंतिम वेग, रुका नहीं है पिंड, प्रारंभिक वेग u ही है। मान लो मंदन हो रहा है, मंदन हमने मान लिया तो माइनस हो जाएगा 2 और विस्थापन है कितना d। यहाँ पर आप ये मान लेना कि u ग्रेटर देन v, मतलब प्रारंभिक वेग अधिक था, अंतिम वेग कम था, इसका मतलब उसमें मंदन हो रहा है। दैट इम्प्लाइज उसी तरह से यहाँ से हम इसको इधर ट्रांसफर कर लें तो 2AD इक्वल टू हो जाएगा, या त्वरण मान ले, चलो जबरन मंदन मानने का क्या है, लेस देन है, तो मान लो इसमें क्या हो रहा है, त्वरण हो रहा है, त्वरण हो रहा है तो प्लस लिखेंगे अपन इसको, क्लियर, इसको हम प्लस लिखेंगे और मैं इसको इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ तो 2AD इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये कुछ भी मान सकते हो ना, ऐसा कोई फिक्स कंडीशन नहीं है, वो बाद में फार्मूला एडजस्ट होता है। दैट इम्प्लाइज AD का मान यहाँ पर निकालूँ तो 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आएगा। अब हम जानते हैं कि इस पर किया गया कार्य यदि हम निकालें तो होता है बल गुणित विस्थापन, जो अभी काम किया था, बल को लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणित त्वरण और इनटू d, दैट इम्प्लाइज w इक्वल टू m, और AD का मान जो यहाँ से निकाल के रखे हैं उसको वहाँ पर पुट अप कर देते हैं तो हो जाएगा 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज w इक्वल टू m का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/2 m वी स्क्वायर माइनस 1/2 m यू स्क्वायर, और ये कहलाता है कार्य ऊर्जा का प्रमेय। ये क्या कहलाता है कि यदि किसी गतिशील पिंड पर कोई बल लगाया जाए या उस पर कोई कार्य किया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वह अंतिम गतिज ऊर्जा, अंतिम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, माइनस प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी के अंतर के बराबर होता है। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। तो सीधा सा मतलब है यहाँ पर इस प्रमेय का कि यदि किसी पिंड पर बल आरोपित किया जाए या किसी पिंड पर बल लगाया जाए, गतिशील पिंड पर ना, स्थिर नहीं, यदि किसी गतिशील पिंड पर कार्य किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा उसके अंतिम फाइनल काइनेटिक एनर्जी और प्रारंभिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के अंतर के बराबर होता है। तो यह है कार्य ऊर्जा का प्रमेय। और यहाँ तक आपको ये मैं आज के क्लास में आपको कार्य और ऊर्जा का बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर किया, और इसका जो सेकंड पार्ट आप पढ़ेंगे उसमें इस चैप्टर के पूरे महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, जैसे स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड के हर बिंदु पर ऊर्जा नियत होती है, संघट, कोलिजन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और संघट के विभिन्न रूप। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम यह सब टॉपिक आपके लेके आते हैं, तब तक आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। ओके, थैंक यू।